ने मेरा इमोशनल बैगेज वाला वीडियो देखा है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सीन इट। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। वो वीडियो मेरा बहुत लोगों ने पसंद किया और मैंने सोचा क्यों ना आज फिर उस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो टुडेज टॉपिक इज लेट गो ऑफ योर इमोशनल बैगेजेस। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों को अभी भी सब्सक्राइब बटन रेड में नजर आ रहा है उनसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज क्लिक ऑन इट और मेरा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू फॉर डूइंग इट। आज एक क्लासरूम की बात जहाँ पर बच्चे हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते, टीचर को कोई ना कोई एक दूसरे की शिकायत लेकर के पहुंच जाता, कभी अपने सहपाठियों की तो कभी किसी दूसरे टीचर्स की या कभी अपने पेरेंट्स की। टीचर रोज रोज उनकी कंप्लेन सुन करके परेशान हो गए। एक दिन टीचर ने कहा कि आप लोगों की कंप्लेन्स के लिए मेरे पास एक सलूशन है, बस आप लोगों को जैसा मैं कहूँ वैसा हमेशा पालन करना होगा। बच्चों ने उनकी बात मान ली। टीचर ने एक टमाटर का टोकरा क्लास में रख दिया और कहा अब से जिसके भी बारे में आपको कंप्लेन करनी है उस व्यक्ति के नाम का एक टमाटर आप उठाएंगे और टमाटर पर मार्कर से उस व्यक्ति का नाम और कंप्लेन एक वर्ड में लिखेंगे और वो टमाटर आप अपने साथ हमेशा कैरी करेंगे जहां भी आप जाओगे। बच्चों ने टीचर की बात मान ली। पहले दिन बच्चों ने भर भर के टमाटर अपने बैग में रख लिए। दूसरे दिन और टमाटर उनके बैग में आ गए। दो तीन दिनों बाद बच्चों को समझ में आया कि जितने ज्यादा टमाटर उन्हें कैरी करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। चार पांच दिन बाद टमाटर सड़ने भी लगे। अब बच्चों से वो सड़े हुए टमाटर को कैरी करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने टीचर से कहा कि क्या करें, हम टमाटर में से स्मेल आ रही है। टीचर ने कहा रिमेम्बर यू ऑल एग्री टू कैरी दैट टमाटो वेर एवर यू गो। बच्चे और दो तीन दिन तक सड़े हुए टमाटर उनकी बदबू सहन करते रहे। एक दिन उनसे रहा नहीं, उन्होंने आकर के टीचर से कहा इट्स इनफ, अब हम ना टमाटर का वजन सहन कर सकते हैं और ना ही इसकी बदबू। टीचर ने कहा सो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ, आई हैव टू थ्रो अवे दोस टमाटोस। टीचर ने कहा कौन से टमाटर फेंकना चाहोगे। स्टूडेंट्स ने कहा सारे टमाटोस हम फेंकना चाहते हैं, अब हमें पता नहीं है कौन से वाले में से बदबू आ रही है और हम अब इन टमाटरों का वजन उठा नहीं सकते। ऐसे ही एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक व्यक्ति रोज आता और कहता कि यू नो माय लाइफ इज वर्स्ट, माय गर्लफ्रेंड डिच्ड मी, शी नो लॉन्गर लव्स मी। साइकोलॉजिस्ट ने उसे बहुत समझाया कि मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, लेकिन वो हर मीटिंग में सिर्फ यही बात करता और चला जाता। एक दिन साइकोलॉजिस्ट ने उसे एक रिकॉर्ड दिया और कहा इसे एकांत में बैठ करके सुनना, इसके अंदर सारे तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन है। व्यक्ति ने तुरंत अपने हेडफोन्स लगा करके उसे सुनना शुरू कर दिया। उस रिकॉर्ड में गाना बजना शुरू हुआ, लास्ट क्रिसमस आई लॉस्ट माई हार्ट टू यू। बस यही लाइन बार 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 आ रही थी। कुछ ही मिनटों में वो व्यक्ति तुरंत साइकोलॉजिस्ट से बोला आई गेस आपने जो मुझे रिकॉर्ड किया है वो खराब है, क्योंकि इसमें तो एक ही लाइन बज रही है, लास्ट क्रिसमस आई लॉस्ट माय हार्ट टू यू। आई वांट टू लिसन नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस सॉन्ग, आई वांट टू लिसन नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस सॉन्ग। साइकोलॉजिस्ट ने कहा दिस इज एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम, तुमने भी अपने दिमाग में ये लाइन रिकॉर्ड कर ली है, शी डिच्ड मी शी नो लॉन्गर लव्स मी, व्हाई डोंट यू मूव ऑन, व्हाई डोंट यू लेट गो, जाने दीजिए उसे।
ऐसा ही कुछ शायद हम हमारी लाइफ में हर इवेंट के साथ करते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमें धोखा दिया या हमारी कोई भी कंप्लेंट है, तो हम उस रिकॉर्ड को बार 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 बजाते हैं कि मेरे साथ ऐसा। Why don't you move on? क्यों हम लोगों की बातों को अपने अंदर जगह दे करके उसको सड़ने तक, महसूस होने तक रखते हैं? It's time to clean your mind. It's time to listen to the next line of the life song. Life is a beautiful music. Listen to your heartbeat. Accept the moment. Live in the moment. Enjoy the moment. Happiness is right here. I hope आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड कमेंट बटन। और हाँ, फिर से एक बार, अगर आपको सब्सक्रिप्शन बटन रेड में नजर आ रहा है, सो प्लीज क्लिक ऑन इट। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।